पिछले 10 दिनों से काली पट्टी बांध का विरोध कर रहे चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों का शनिवार को सब्र टूट गया और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता का घेराव किया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में चतुश्रेणी महासंघ के प्रदेश मंत्री शेखर शरण श्रीवास्तव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चतुश्रेणी की अध्यक्ष हामिद अली के साथ चतुश्रेणी के सभी कर्मचारियों ने प्रमुख अधीक्षक के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए अपनी मांगों को लेकर घेराव किया और प्रमुख अधीक्षक द्वारा एक माह का आश्वासन मिलने पर अपना आंदोलन स्थगित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह और प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, आपका सब लोग जब खुश है भाई तो आप कहा काम करा दे सारे लोग आप पर खुश है मेरे भाई साहब। कुछ बाबू होते हैं जिनपे सारे साहब के साथ तो सारी बात सारी गड़बड़ सही हो जाती बहुत बढ़िया काम करते हैं अलग अपना काम है ना काम भी देख लेंगे वो काम करते हैं ये नहीं होना चाहिए। पहली बार हमारी आपकी वार्ता होनी चाहिए। आप नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर जाएंगे। मैं वार्ता में विश्वास सारे लोगों के डॉक्टरों के तमाम भुगतान बाकी है बड़े लोग वही प्रधानमंत्री लेकिन आपका वेतन सर 1.5 लाख है हमारे आप साल भर नहीं पाएंगे तभी काम चल जाएगा काम चलेगा। देखिए वेतन किसी का कुछ नहीं हुआ है बाधित है बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष रामनाथ दुबे जी और जिले के प्रदेश जिला अध्यक्ष में उनकी जिम्मेदारी मुझसे बात करें और उसके बाद नहीं है मेरी तरफ पूरी कोशिश है लेकिन कमी उसमें क्या है हमारी कुछ जो है जैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिसको कहते हैं ऑफिस वहाँ पर सक्षम लोग सभी नहीं है कुछ लोग काम करने वाले बाकी लोग एकदम नहीं काम कर रहे इसको मैं पूरे स्थिति लोगों के साथ मैं कह सकता हूँ और उसका नुकसान मुझे बनता पड़ रहा है। इतने से आदमी के अंदर क्षमता वृद्धि नहीं होती है क्षमता उसके अंदर जब रहेगा इंटेलेक्ट काम करने का तभी होता है क्षमता वृद्धि समझाने बात आपकी सही है अंदर वो कार्यरत रहेगी तभी वो काम कर पाएगा वैसे नहीं कर पाएगा बात सही है कोई आता तो यही काम हुआ है लोगों को लानी चाहिए तो हमसे तो रिक्वेस्ट किया लेकिन नाकाबिले लोग आ जाएंगे यहाँ पर तो कैसे कर लेकिन अगर दलाली अगर उसकी गरीब है मैं सीधा मुख्यमंत्री बात करूंगा अपनी ड्यूटी बता दीजिए लोग जितनी उनकी मांगे 90% तो ऑलरेडी हो चुका वो तो ठीक है सर और जो बचा थोड़ा मोड़ा काम हम लोग भूख लगी सर हमको जब भोजन मिल जाएगा तब हम मानेंगे भोजन बना हम लोग भोजन और ताला बंद हो तो हम क्या मानेंगे हमारे कर्मचारी सब ऐसे मानेंगे विभिन्न मांगे थी जिसमें अधिकतम मांगे इन लोगों के मांग पत्र पिछले एक महीने से कई बार आ चुके थे उस उन मांगों पर कार्रवाई भी हमने करवाई और अधिकतम मांगे तो पहले ही पूर्ण की जा चुकी थी।
फिर भी आज लोग ये लोग मेरे पास वार्ता करने आए और इनकी वार्ता, इनके मांगों पर विचार किया गया और जो कार्य इनका बाकी रह गया है उसको भी संपादित कर दिया जाएगा एक महीने के अंदर। एक दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर शासन स्तर से बजट प्राप्त होना है, उन चीज़ों के लिए एक महीने का समय दिया गया है, एक महीने में वो मांगे भी पूरी करके कर दी जाएंगी। मैं अखंड प्रताप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे चिकित्सा विभाग हमारे महासंघ के अंदर आता है। ये लोग 10 दिन से 11वां दिन है आज, ये लोग काली पट्टी बांध करके काम कर रहे थे लेकिन सीएमएस कोई इस पे कार्यवाही नहीं कर रहे थे इनकी मांगों पर। आज हम मजबूर होकर के सीएमएस का घेराव किए हैं। इस घेराव में उन्होंने जो भी मांग है उनके स्तर की, उन्होंने एक महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा एक महीने के अंदर सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो फिर आप लोग धरना प्रदर्शन करिएगा। मैं उनको वो आश्वस्त किए हैं, मैं अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए धरना जो है अस्वीकार करने का निवेदन करूंगा। अगर हमारी समस्या एक महीने के अंदर नहीं समाधान होगी तो निश्चित है पूरे जिले को मैं बंद करा दूंगा और कोई भी गोरखपुर में कोई भी कार्यालय नहीं खुलने पाएगा।